जब भी आप घर खरीदिएगा या फिर आप घर बनाइएगा तो आपको सबसे पहले तो ये चेक करना चाहिए कि आपका ईशान कोण में कोई भी वास्तु दोष नहीं रहना चाहिए। ईशान कोण आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में क्या नहीं रहना चाहिए, तो सबसे पहले तो सेप्टिक टैंक नहीं रहना चाहिए और टॉयलेट नहीं रहना चाहिए ईशान कोण में। दूसरा क्या हो गया आपका कि किचन नहीं रहना चाहिए। ईशान कोण में किचन अगर रहता है तो भी बहुत ज्यादा खराबी देखा गया है, क्योंकि हम विजिट में जाते हैं तो ईशान कोण का किचन भी घर में वास्तु दोष देता है। उसके बाद आपको देखना है कि ईशान कोण में बिजली मीटर भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ईशान कोण में बिजली मीटर भी रहता है तो भी खराब रिजल्ट देखा गया है, गंभीर घर में बीमारी देखा गया है। उसके बाद आपको देखना है कि ईशान कोण में लाल कलर का इंटीरियर नहीं होना चाहिए। आप देखिए कि किचन तो नहीं है, टॉयलेट तो नहीं है, लेकिन लाल कलर का अगर इंटीरियर है तो भी ईशान कोण में बहुत सारा बीमारी घर में देखा गया है। फिर आपको ईशान कोण में क्या देखना है, पीला कलर। पीला कलर का भी इंटीरियर बहुत ही ज्यादा खराब देखा गया है, इसलिए आपको पीला कलर का भी इंटीरियर नहीं कराना चाहिए। ईशान कोण में और क्या देखना चाहिए, टॉयलेट तो आप देख लिए, किचन तो देख लिए कि किचन नहीं है, टॉयलेट नहीं है, लेकिन ईशान कोण में स्टोर भी नहीं रहना चाहिए। आप जितना घर का जो कूड़ा करकट है या लोहा से जुड़ा हुआ जितना भी सामान है, बर्तन वगैरह हो गया या बिजली से जुड़ा हुआ जितना भी सामान हो गिया, वो सब भी ईशान कोण में अगर रब रख देते हैं तो भी वो खराबी करेगा। तो आपको सबसे पहले तो ईशान कोण में साफ सुथरा रखना चाहिए। ईशान कोण में आपको पूजा रूम बनाना चाहिए, या फिर ईशान कोण को आप घर का ड्राइंग रूम बना सकते हैं। घर में अगर ड्राइंग रूम बनता है तो ऑलरेडी वो साफ सुथरा रहेगा और खाली रहेगा, तो इससे आपका ईशान कोण बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और ईशान कोण से जितना ज्यादा लाइट रहेगा ईशान कोण, मतलब डार्क रूम नहीं बनाना है, घर में सूरज की रोशनी ईशान कोण से घुसना चाहिए, प्रवेश करना चाहिए। उगता हुआ सूरज अगर ईशान कोण से अगर सूरज की रोशनी घुसता है तो बहुत अच्छा होता है, घर में फाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ना ही बीमारी का प्रॉब्लम रहेगा। इसलिए आपका सूरज की रोशनी घर में पूरब से घुसना चाहिए। उसके बाद आपको देखना है कि ईशान कोण में क्या नहीं होना चाहिए। तो आपका ईशान कोण में टॉयलेट हो गया नहीं है, किचन नहीं है, स्टोर रूम नहीं है, बिजली मीटर नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है घर के बाहर, और ओवरहेड टैंक मतलब छत के ऊपर ईशान कोण में पानी टंकी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईशान कोण में अगर पानी टंकी है तो भी वो खराब रिजल्ट दिया है। बहुत सारा घर में हम जब विजिट करने जाते हैं तो ईशान कोण का ऊपर ही पानी टंकी रखा जाता है। ईशान कोण के अंडरग्राउंड पानी टंकी बहुत ही फायदा देता है, लेकिन आदमी लोग समझ नहीं पाता है कि अंडरग्राउंड पानी टंकी और ओवरहेडिंग पानी टंकी क्या मतलब होता है। इसलिए जमीन के अंदर अगर पानी टंकी अगर घर के अंदर बनाते हैं ईशान कोण में तो कोई वास्तु दोष नहीं रहेगा और तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर छत के ऊपर अगर पानी टंकी बनाते हैं तो बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट देखा गया है। जितना भी घर में गंभीर बीमारी है, चाहे वो कैंसर हो, ब्रेन हेमरेज हो, पैरालिसिस हो या आर्थिक तंगी हो, सब ईशान कोण का वास्तु दोष के कारण होता है। और घर में अगर पुत्र संतान नहीं हो रहा है या घर में पुत्र संतान का बीमारी है, पुत्र संतान अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है या बदमाशी ज्यादा कर रहा है, तो आपका घर का ईशान कोण में ही वास्तु दोष जरूर निकलेगा। यह आप अपना घर में जरूर चेक कीजिए, और ईशान कोण में जो भी अगर दोष वाला घर हो तो ऐसा घर आप मत खरीदिए, क्योंकि आपका सारा इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाएगा। और ईशान कोण कभी भी कटा हुआ भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ईशान कोण अगर कटा हुआ है मतलब सोच लीजिए कि वास्तु पुरुष का सर कटा हुआ है, क्योंकि वास्तु पुरुष का सर ईशान कोण में ही है। और अगर ईशान कोण कटा हुआ है तो सोच लीजिए कि उस घर में आप